हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। और आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम बात कर रहे थे लॉग बुक की। जी हाँ दोस्तों, लॉग बुक आखिर है क्या? लॉग बुक आपकी एक सटीक बीमारी का, जैसे कोई एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, या कोई ऐसी जांच या रिपोर्ट होती है जिससे कि आपकी जो बीमारी हो उसके बारे में डॉक्टर को एक बारीक नॉलेज पता चलती है, उस को हम लॉग बुक कह सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि आपके समय को इस्तेमाल करने के लिए जो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि किस टाइम आपको क्या करना है, किस टाइम आपको क्या नहीं करना है, तो उसको ही हम लोग लॉग बुक कहते हैं। सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि लॉग बुक के अंदर आप अपने क्रियाकलापों का जितना ज़्यादा विश्लेषण करेंगे, यानी कि जितनी सटीकता से उन बातों को लिखेंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, आप हर एक पल का, हर एक मिनट का आप हिसाब रखेंगे, उतना ही बेहतर आप समय का उपयोग कर पाएंगे। एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिसे करना हमारी शक्ति यानी कि हमारी ताकत में है, उसे ना करना भी हमारी शक्ति यानी कि ताकत में है। यानी कि जिस काम को हम कर सकते हैं वो हम आसानी से अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी ताकत से कर सकते हैं, लेकिन उसे ना करने की भी इच्छा शक्ति हमारी ही होती है, किसी और की नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कोई भी नई चीज़ पाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई पुरानी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ भी आपका समय का दुरुपयोग हो रहा है तो उस दुरुपयोग को आपको बंद करना पड़ेगा और सदुपयोग में आना पड़ेगा। अर्थात जो आपकी पुरानी आदतें हैं उनको आपको बदलना पड़ेगा। जो लोग आज अपने समय का उपयोग बुरी तरीके से, बुरे प्रकार से कर रहे हैं, यानी कि अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, वही लोग समय की कमी को लेकर आगे रोते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्थिक लक्ष्य बनाएं, यानी कि आपको अपने फाइनेंशियली गोल सेट करने हैं जिससे कि आप समय का, जो समय की कीमत होती है, उसको आंक पाएं और उसको निकाल पाएं। और क्योंकि जब आप आर्थिक लक्ष्य बनाएंगे तो लक्ष्य बनाने से आपकी योजना को आकार मिलेगा, और जब योजना को आकार मिलेगा तो आपके कार्य तय हो जाएंगे और कार्यों से आपको रिजल्ट्स हासिल होंगे, और जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सब इन सारे कामों को करने से पहले आपको सबसे पहला काम जो है वो लक्ष्य से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता पर संदेह है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि आपको जाना कहाँ है तब तक आप कहीं नहीं पहुँचते। कहने का मतलब एक एग्जांपल से ले सकते हैं कि अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं जहाँ से टिकट मिलती हैं, अगर आप टिकट देने वाले को ये नहीं बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है तो वो आपको टिकट नहीं दे पाएगा। यानी कि जब आपको टिकट नहीं मिलेगी तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको आर्थिक के क्षेत्र में कहां तक पहुंचना है, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। यदि आपकी कोई मंजिल या लक्ष्य नहीं होगा तब आप वहां तक की योजना नहीं बना पाओगे। जब योजना नहीं बनाओगे तो उस दिशा में चलोगे नहीं, और जब उस दिशा में चलोगे नहीं तो जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, लक्ष्य के बिना कोई भी काम संभव नहीं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है लक्ष्य। लक्ष्य जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सामान्य लक्ष्य और दूसरा होता है निश्चित लक्ष्य। अगर हम सामान्य लक्ष्य की बात करें तो वो किस तरीके से होता है कि कोई भी इंसान कहता है कि मैं आज से मेहनत करूंगा या अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाऊंगा, यानी कि ज़्यादा मेहनत करूंगा, या अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा,
ये तो हो गए आपके सामान्य लक्ष्य। लेकिन जो स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं कि मैं आज से 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करूंगा, मैं आज से 10,000 की जगह 15,000 रुपये कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कोर्स करूंगा, या वो कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मैं अपनी इनकम में इजाफा कर पाऊं। यानी कि स्पष्ट का कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें दिखाई देता है, समझ में आता है कि ये बंदा क्या काम करना चाहता है। तो आपको सामान्य और स्पष्ट लक्ष्य में फ़र्क बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इसको आप जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। पहले आप आर्थिक लक्ष्य बनाएं कि आपको एक महीने में कितनी राशि चाहिए, और फिर उसके बाद में उसकी प्लानिंग करें कि वो राशि किस तरीके से आएगी और आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस दिशा में जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में उसकी शुरुआत करें ताकि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।